गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि एक कंपनी प्रबंधक के क्या अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि एक कंपनी के प्रवर्तन एवं निर्माण संबंधी समस्त कार्यों को करने का कार्य एक प्रबंधक करता है। तो जब प्रवर्तक कंपनी के संबंध में कार्य करता है तो कंपनी के को शुरू करने के विचार से लेकर उसे अंतिम रूप देने तक के सभी कार्य प्रवर्तक द्वारा किए जाते हैं। तो इस कारण अगर आप देखें तो प्रवर्तक एक कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि एक कंपनी प्रवर्तक के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होते हैं। क्योंकि जब कंपनी प्रवर्तक कार्य करता है तो कार्य करने के उपरांत उसे कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं तथा कार्य के अधिकार के साथ ही उसे कुछ उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं। दायित्व भी उसके उत्पन्न होते हैं जिसका भली बात ये पूरा उसे करना होता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रवर्तक के अधिकार एवं कर्तव्य। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रवर्तकों के अधिकार की। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रवर्तक जो होता है वह कंपनी के निर्माण संबंधी समस्त कार्य को करता है। और अगर हम देखें तो एक प्रवर्तक जो होता है कंपनी का ना तो एजेंट होता है, ना ट्रस्टी होता है, ना ही वह उसका ऑनर होता है। इसका कारण यह है कि जो भी एजेंट कार्य करता है उसे कार्यों की पुष्टि उसके नियुक्त द्वारा की जानी चाहिए। परंतु जब हम कंपनी की बात करें तो जो कंपनी के निर्माण के लिए प्रमोटर के रूप में वह कार्य करता है तो उस समय कंपनी का अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी का जो प्रवर्तक हो उसे उसके कार्यों की कंपनी पुष्टि नहीं कर सकती, इसलिए प्रवर्तक को हम कंपनी का एजेंट नहीं कह सकते। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रवर्तक के कुछ अधिकार हैं जिसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार हम देखें तो वह है प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई कंपनी की योजना बनाता है, प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी की योजना बनाता है, सबसे पहले वह इस योजना पर विचार करता है कि उसे कंपनी क्यों बनानी है, किस प्रकार की कंपनी बनानी है, कंपनी में कितने सदस्य होंगे, अंश पूंजी कितनी होगी, पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। तो इस प्रकार इस तरह की रूपरेखा बनाने से पूर्व विचार करता है। फिर कंपनी को प्रारंभ करने संबंधी जो भी प्रारंभिक व्यय उसे करने होते हैं उन व्ययों को वो अपनी ओर से भुगतान करता है। तो जब कंपनी का जब निर्माण हो जाता है तो निर्माण होने के बाद प्रवर्तन संबंधी जितने भी कार्य प्रारंभिक खर्चे प्रवर्तक द्वारा किए गए हुए उसे कंपनी से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। क्योंकि बच्चों, अगर हम देखें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति है, वह अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकती, भले कंपनी की ओर से जो व्यक्ति है वो उसे कार्य को करते हैं। तो ऐसे स्थिति में कंपनी उनके द्वारा किए गए खर्च को वे चुकाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो एज अ प्रमोटर अगर हम देखें तो प्रवर्तक को अधिकार है कि वह अपने कंपनी के संदर्भ में निर्माण संबंध जो भी उसने प्रारंभिक व्यय किए उनको वह प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए प्रवर्तन संबंधी व्यय प्राप्त करने का अधिकार प्रमोटर्स को दिया जाता है। यह हम कहें कंपनी के प्रवर्तन के संबंध में प्रवर्तकों द्वारा किए गए व्यय को हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं। ऐसे प्रारंभिक व्यय में अगर हम देखें तो वैधानिक सलाहकार का शुल्क, यानी जो कंपनी का निर्माण किया जा रहा है तो उसके संबंध में उसे कई लीगल एडवाइजरी से राय लेनी होती है और इसी के साथ कंपनी के पार्षद सीमानियम और अंतरनियम तैयार करवाता है, उनको और कंपनी का प्रोस्पेक्ट छपवाता है। तो इनके संबंधी जो भी व्यय होते हैं उनको उन सब व्ययों को प्रवर्तक अपनी ओर से करता है। लेकिन जो कंपनी का निर्माण हो जाता है, कंपनी जब अस्तित्व में आ जाती है तो कंपनी से इस प्रकार के व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार प्रवर्तक को दे दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कंपनी के लिए जो भी प्रारंभिक खर्च प्रवर्तक की ओर से किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने का अधिकार प्रवर्तक को दिया गया है। सेकेंड, अगर आप देखें सह प्रवर्तक से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार। देखिए बच्चों, कभी कभी कंपनी जो होती है कंपनी के प्रति प्रवर्तकों का प्रथा प्रवर्तक संयुक्त दायित्व भी होता है, यानी प्रवर्तक जो होते हैं वो कंपनी निर्माण करते हैं, लेकिन यदि सह प्रवर्तक की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के प्रवर्तक एवं और जो अन्य सह प्रवर्तक उनको संयुक्त दायित्व होता है। अतः यदि कंपनी के प्रयोजन में मिथ्या वर्णन अथवा अगर हम कहें प्रवर्तकों द्वारा जानबूझ से गुप्त लाभ कमाए जाने की दशा में यदि किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि प्रवर्तक से वसूल की जाती है तो उस प्रवर्तक को अपनी सह प्रवर्तकों से आनुपातिक राशि वसूल करने का अधिकार होता है। यानी कहने का आशय है यदि प्रवर्तक कार्य कर रहा है और अन्य सह प्रवर्तक भी उसके साथ कार्य कर रहे हैं, यदि किसी संबंध में क्षतिपूर्ति अगर
प्रवर्तक द्वारा की गई है तो वो क्षतिपूर्ति के अनुपातिक राशि में अपने सह प्रवर्तकों से भी ले सकता है, क्योंकि वैदिक में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से अगर हम देखें सह प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार भी एक प्रवर्तक को दिया गया है। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। देखिए बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य के बदले जो सेवाएं उसने दी उसके बदले उसे पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रवर्तक कार्य करता है कंपनी में तो कंपनी के प्रवर्तक की स्थिति में कंपनी के प्रवर्तन संबंधी कार्य करने के कारण प्रवर्तक को अधिकार है कि वह कंपनी से अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर ले। पारिश्रमिक प्राप्त करने का मतलब है कि प्रवर्तक द्वारा जो भी कार्य कंपनी के हित में किए गए हैं, प्रारंभिक खर्च संबंधी, प्रारंभिक कंपनी की शुरुआत करने से विचार संबंधी, इसी तरह प्रवर्तक की जो योजनाएँ होती है वो दूरदर्शिता के आधार पर होती है। वह उन योजनाओं को बनाने के लिए अपनी पर्याप्त बुद्धि शक्ति का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रवर्तक द्वारा कार्य किए गए हैं उसके लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार प्रवर्तक को दे दिया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो मुख्य रूप से तीन अधिकार तो प्रवर्तक को दिए ही गए हैं, जिनके लिए प्रवर्तक जब कंपनी में कार्य करता है उन तीनों अधिकारों के अंतर्गत वह उसे अधिकार निम्न अधिनियम में दिए गए हैं। इसी प्रकार बारी आती है प्रवर्तकों के दायित्व की। जब प्रवर्तक को अधिकार तो उसके साथ साथ दायित्व भी दिए जाते हैं, यानी अधिकार और दायित्व समान रूप से चलते हैं। तो प्रवर्तकों के दायित्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें प्रवर्तन संबंधी सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी, यानी जब प्रवर्तक कंपनी में कार्य करता है तो प्रवर्तन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों के लिए प्रवर्तक को उत्तरदायी बनाया जाता है। प्रवर्तन संबंधी कार्य जैसे कंपनी के निर्माण की कल्पना करना, उसकी योजना कर बनाना, उसकी जाँच करना, फिर उसे मूर्त रूप देना, इसी के साथ कंपनी के कार्य की के लिए प्रारंभिक अनुबंध करना, वैधानिक साधनों जुटाना और कई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना आदि सभी कार्य जो है प्रवर्तक द्वारा किए जाते हैं। इसी के साथ कंपनी का समाविलियन का प्रमाण पत्र तैयार करवाना, कंपनी के पार्श्व सीमा नियम अंतर नियम तैयार करवाना, इन सभी कार्यों का दायित्व प्रवर्तक के ऊपर होता है। तो इन कार्यों के कारण जो ये कार्य सभी किए हों उनके प्रति दायित्व एक प्रवर्तक को ही माना जाता है, क्योंकि कंपनी को अस्तित्व लाने तक संबंधित सभी कार्य प्रवर्तक द्वारा किए ही जाते हैं। किसी तरह से अगर हम देखें गुप्त लाभ को प्रकट करना। देखिए बच्चों, क्योंकि कंपनी जब कंपनी के हित में कार्य करता है तो यदि कंपनी के द्वारा कार्य करने के दौरान उसने यदि कोई गुप्त लाभ कमाया है, किसी प्रकार का लाभ अगर उसने कमाया है तो ऐसी स्थिति में उस गुप्त लाभ को प्रकट करने का दायित्व भी प्रवर्तक को होता है। यदि किसी प्रकार का कंपनी की ओर से उसने गुप्त लाभ कमाया है तो इसकी जानकारी कंपनी को देनी चाहिए और गुप्त लाभ को कंपनी के खाते में जमा कराना चाहिए, क्योंकि उस लाभ पर उसका स्वयं का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो यदि कहने का आशय है प्रवर्तकों ने यदि कंपनी निर्माण के दौरान कोई गुप्त लाभ प्राप्त किया है तो प्रवर्तकों का दायित्व हो जाता है कि वह कंपनी को पूर्ण हिसाब बनाकर समझाकर लाभ का भुगतान करे कि वह यह लाभ उसने किस प्रकार से प्राप्त किया है। इसी प्रकार है अगला बिंदु है कर्तव्य भंग की दशा में दायित्व। कर्तव्य भंग यह हम कहें कपट के लिए दायित्व, यदि कोई प्रवर्तक अपने कर्तव्य का सावधानी से पूर्वक या सही से निर्वाह नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तक द्वारा किए गए कर्तव्य भंग के लिए उसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि प्रवर्तक से आशा की जाती है कि वह अपने दायित्व को सही से पूरा करें, अपने कार्यों को सही प्रकार से पूर्ण करें, तभी वह अपने कार्यों को सही तरीके से संपन्न कर पाएगा। यदि जो हम कहें प्रवर्तक अपने कार्य की सही से पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा उसने अपने दायित्व को भंग किया है, तो इसके लिए उसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है अनुबंध के पूरा न होने तक व्यक्ति के दायित्व। देखिए बच्चों, ये जब प्रवर्तक कार्य करता है कंपनी की स्थिति में तो कंपनी की ओर से प्रवर्तकों द्वारा जो भी अनुबंध किए जाते हैं उनके लिए प्रवर्तक ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि कंपनी के प्रवर्तन की वास्तव में कंपनी की स्थिति में नहीं होती कि अपनी ओर से कोई अनुबंध कर पाए, तो ऐसी स्थिति में कंपनी की ओर से प्रवर्तक ही उत्तरदायी प्रवर्तक ही अनुबंध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उन अनुबंधों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रवर्तक ही उनके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो अनुबंध पूरा नहीं हो जाता प्रवर्तक को हम उत्तरदायी बना सकते हैं। तो एक आशा की जाती है कि जब भी प्रवर्तक कार्य करें तो कंपनी के कार्यों को अपने प्रति जिम्मेदारी से कार्य करें ताकि कंपनी के कार्यों का सुचारू संचालन किया जा सके। अगला और अंतिम बिंदु है बच्चों प्रेरण कपट पर मिथ्या वर्णन पर दायित्व।
देखिए बच्चों, जब हॉस्पिटल इशू होता है, जब भी कोई सार्वजनिक कंपनी होती है जो वैसे प्रारंभ करती है, जैसे कोई हॉस्पिटल इशू करना होता है, उस हॉस्पिटल उसमें कंपनी के निर्माण संबंधी समस्त बातें होती है, कंपनी की अंश पूंजी, कंपनी के अंशधारियों का विवरण, इसी प्रकार कंपनी की अंश पूंजी, कंपनी का नाम, प्रकार, कंपनी नतज, उद्देश्य, बाकी सभी चीज़ों की जानकारी उस प्रवीण में दी गई होती है। और कंपनी में जो भी अधिकारी पैसा लगाने का इच्छुक होता है, वो प्रवीण को देखकर निर्णय लेता है। यदि मान लीजिए प्रवीण में किसी प्रकार का मिथ्या वर्णन या गलत सूचना प्रवर्तक द्वारा दी गई है, उस गलत सूचना के आधार पर को सही मानते हुए यदि किसी अंशधारी ने कंपनी में विनियोग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर अंशधारी को पता चलता है तो ये कंपनी की छवि खराब होती है और मिथ्या वर्णन की स्थिति में प्रवीण पर कपट के आधार पर प्रवीण तैयार करने की स्थिति में उसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा प्रवर्तक जो होता है कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कंपनी के निर्माण से लेकर उस अस्तित्व लाने तक समस्त कार्य प्रवर्तक द्वारा किए जाते हैं। तो हमें ये आशा करनी चाहिए प्रवर्तक के से कि वे जो भी कार्य करें कंपनी में बहुत ही सावधानी से करें, अपनी जिम्मेदारी को, अपने अधिकारों का, दायित्वों का उचित उपयोग करें, ताकि कंपनी की छवि किसी प्रकार से खराब ना हो पाए और कंपनी अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालन कर पाए और अपनी कंपनी की ख्याति को बनाया जा सके, रखा जा सके। तो इस प्रकार बच्चों प्रवर्तक के अधिकार और दायित्व के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आप सभी इसे पढ़िए, समझिए और आगे अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।